मनुष्य तूने ये क्या किया है, प्रकृति को प्रदूषित कर दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आओ लिखें पर। आज हम प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे, तो आओ लिखें। प्रस्तावना। प्रकृति ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण भेंट किया था, लेकिन मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते उसी प्रकृति को प्रदूषण से भर दिया है। विज्ञान और तकनीकी विकास ने एक ओर हमारी सुख सुविधा में वृद्धि की है, तो दूसरी ओर पर्यावरण को प्रदूषित करके मानव के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। प्रदूषण का अर्थ। पर्यावरण में दूषित पदार्थों के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह पर्यावरण व समस्त जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रदूषण के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। वायु प्रदूषण। वातावरण में रसायन तथा अन्य सूक्ष्म कणों का मिलना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। यह प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उद्योग व मोटर वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों से होता है। वायु जीवन का अभिन्न अंग है। प्रत्येक जीव को श्वास लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रदूषण के कारण यही वायु फेफड़ों में पहुंचकर कई बीमारियों का कारण बनती है। जल प्रदूषण। जल जीवन का आधार है। जल में अवांछित तथा घातक तत्वों की उपस्थिति, जिससे उसकी शुद्धता में कमी आ जाए, जल प्रदूषण कहलाता है। उद्योगों, कारखानों के दूषित जल के नदियों व तालाबों में मिलना जल प्रदूषण का कारण है। ध्वनि प्रदूषण। ऐसी ध्वनि जो अत्यधिक तीव्र हो और सुनने में अप्रिय लगे, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण से बहरेपन, रक्तचाप जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मृदा प्रदूषण। जमीन में जहरीले, अवांछित, अनुपयोगी पदार्थों के मिलने से, जिनका अपघटन नहीं हो सकता, मृदा प्रदूषण कहलाता है। इससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है। प्रदूषण के कारण। प्रदूषण का मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप है, जैसे वनों की कटाई, शहरीकरण, औद्योगिकरण आदि, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि का उपयोग करने से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होने से भी प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। प्रदूषण के दुष्परिणाम व समाधान। पर्यावरण प्रदूषण से कई समस्याएं जन्म ले रही हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सामने प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। प्रदूषण की समस्या से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और यह पर्यावरण और मनुष्य दोनों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण के कारण रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदूषण से समाधान के लिए अधिक मात्रा में पेड़ लगाने की आवश्यकता है। प्लास्टिक, पॉलिथीन तथा कीटनाशक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। लाउड स्पीकर इत्यादि का प्रयोग कम करना चाहिए। निष्कर्ष। पर्यावरण प्रदूषण संपूर्ण सजीव के लिए चिंतनीय विषय है। अगर इसी तरह प्रदूषण बढ़ता रहा तो समस्त मानव जाति का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। इस विषय में सोचने और जागरूक होने की आवश्यकता है।
प्रदूषण को बढ़ाने वाले कारक का उपयोग ना करें और अपने आसपास को स्वच्छ रखें। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष हैं प्रकृति का उपहार, वृक्ष हैं जीवन का आधार। शुद्ध वायु देते हमें भरपूर, करते प्रदूषण को दूर। अधिक से अधिक पेड़ लगाइए और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए और दूसरों से भी ऐसा करने के लिए कहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।